वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत और नए वीडियो के साथ, वो भी तड़कते भड़कते मस्त वीडियो के साथ। तो हम फ्रेश व्रेश होके तैयार व्यार होके अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं। अब जा रहे हैं ऑफिस, फिर काम हम देखते हैं क्या होता है। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही क्योंकि व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है। लगभग मेरे को डाटा डिलीट करना पड़ता है, फिर उसके बाद वीडियो शूट होती है। तो ये मेरे लिए एक परेशानी है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कोई मैं दूसरा फ़ोन परचेज़ कर लूँ। तो अभी इसी से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब तक चलता है काम चला लेंगे। और अभी जा रहे हैं हम ऑफिस, फिर मिलेंगे आपसे लंच में एक बढ़िया सी न्यूज़ के साथ और सबके लिए सरप्राइज़ है वो मिलेगा आपको ब्रेक के बाद। तो अभी चलते हैं सीधा ऑफिस। तो भाइयों, आज है 18 तारीख, तो आप सभी को पता होगा आज शिवरात्रि है। तो आज हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है, तो आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर जगह भीड़, चहल पहल मंदिरों में, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में और काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैसे माहौल बढ़िया बना पड़ा है और हर जगह पर डीजे साउंड लगे पड़े हैं, काफ़ी बढ़िया माहौल सा लग रहा है। तो ऐसे ही माहौल बना रहे। तो गाइस जा रहे हैं घर पे और लंच टाइम हो गया, अब जाके देखते क्या बना है क्या नहीं बना खाने में, जाके पता चलेगा। और चल रहे हैं अब घर पे और आज का माहौल काफ़ी बढ़िया है और हर जगह अलग ही डीजे वगैरह बज रहे हैं, साउंड बज रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जिधर भी जा रहे हैं काम पे, फील्ड में जहाँ भी हम घूम रहे हैं, सब जगह मज़ा ही आ रहा है, एकदम मस्त माहौल है। तो अभी चलते हैं घर पे, फिर देखते हैं क्या बनाया होगा क्या नहीं बनाया होगा। तो चलो चलते हैं घर पे। अरे भाई, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो भाई हम आए थे घर पे और घर पे कोई है ही नहीं, ताला लगा हुआ है, पता नहीं चाबी अभी किसको दे के गए हैं किसको नहीं। और खाना भी बना है या नहीं बना चेक करते हैं, अभी पूछते हैं, फ़ोन करते हैं कि चाबी अभी कहाँ है, क्या करें बताओ यार। तो कोई नहीं, फ़ोन वोन करते हैं, देखते हैं कहाँ पर है, पूछते हैं। तो भाई पहुँच चुके थे हम घर अपने और चाबी ऊपर वाले सेकंड फ्लोर वाले आंटी के पास थी और वो गए हैं इस बेड के गद्दे लेने, जो आप मेरे पीछे बेड देख रहे हैं, इस बेड के गद्दे लेने गए हैं क्योंकि गद्दे हमने परचेज़ नहीं किए थे क्योंकि बजट नहीं था उतना। तो अभी हमने अभी परचेज़ कर, मतलब कि अभी गद्दे लेने गए थे, तो अभी इसीलिए बाहर गए हैं, ताला लगा हुआ था, चाबी ऊपर दी हुई थी। अब खाने में पता नहीं क्या है या नहीं है, अभी देखते हैं खाने में क्या है, चेक करते हैं, चलो आपके साथ साथ। मुझे तो नहीं लगता खाने में कुछ होगा। ये सुबह वाले आलू के पराठे, सुबह के आलू के पराठे। तो गाइस हमारा खाने का इंतजाम हो चुका है और जो पराठे पड़े थे उनको गर्म कर रहे हैं और राजमा की सब्जी, ये पराठे, तो अब हम यही खाने वाले हैं, सुबह के पराठे और रात वाली सब्जी बच गई थी तो उसको गर्म करके खा रहे हैं। तो लंच गर्म कर लेते हैं पहले, खाना वाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं।
तो भाई लंच वंच तो हो चुका है, अब बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब वो आए। और क्योंकि मैं अभी फ़ोन मेरे पास जब मेरे से बात हुई थी तो बोल रहे कि हम निकल रहे हैं वहाँ से गद्दे लेकर के, तो आधा घंटा करीबन लगेगा उनको यहाँ पहुँचने में, मुश्किल तो 15 मिनट तो होगी होगी, कम से कम 15-20 मिनट होगी होगी। और उनका वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैसे गद्दे लाए हैं कैसे नहीं, और फिर चाय वाय बनाते हैं क्योंकि उन्होंने भी मुझे लग रहा है खाना वाना भी नहीं खाया होगा, ऐसे ही चले गए होंगे। तो फिर खाना वाना बनाएंगे, वो चाय वाय पियेंगे, फिर निकल जाएंगे हम ऑफिस के लिए। और फिर वो आएंगे, फिर आपको एक गुड न्यूज़ बताएंगे हम, आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है? वो जब वो आएंगे तभी बताएंगे आपको। तो आते हैं फिर, मिलते हैं आपसे, वो आ जाएँ फिर मिलते हैं आपसे। आ चुके हैं गाइस गद्दे वद्दे लेके, और गद्दे दिखा दूंगा आपको, वो एक मिनट को ऐसे करो ऐसे करो। अब हम खाना खा के ही बिछा लेंगे, ये देखो ऐसे हैं गाइस गद्दे अपने। और ये हमारी बुआ जी हैं जो साथ में गई थी। बुआ के कैसे गद्दे कैसे हैं? बढ़िया हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, बढ़िया है बच्चों, तेरे कमाए में एक है। हेलो गाइस, देखो हमारा बेड भी तैयार और गद्दे भी आ गए हैं। ये भंडारा पता नहीं कहाँ से मांग के लाइए, ये भोलेनाथ का भंडारा है, खाना मांग के लाइए पता नहीं कहाँ से। आ जाओ। तो गाइस अब अपने जाने का टाइम हो चुका है और हम निकल रहे हैं, अगर चाय पिला रही तो पिला दे, पिला दूंगी, बैठ जाओ 5 मिनट, मैं बना देती हूँ 5 मिनट अभी बना दूंगी फटाफट, वेट कर करके मैं थक गया तेरा पता है। तो हम ख्याला से, ख्याला के साइड से होके आए ना, ठीक है। तो गाइस चाय वाय पीते फिर निकल जाएंगे। और ये कुछ इस तरह है हमारे गद्दे, और हम गद्दे पे सोएंगे आज, फाइनली गद्दे पे सोएंगे, खुशी हो रही है। तो गाइस चाय वाय बनाते हैं पीते हैं फिर निकल जाएंगे अपने ऑफिस के लिए, फिर मिलेंगे आपको शाम को। और अब इतना टाइम तो बचा नहीं, जो जिस सरप्राइज के बारे में डिस्कस करनी है वो अब शाम को बात करेंगे आके, बना दे। तो हमारी बुआ जी खाना खा रही है, मिलते हैं फिर शाम को। तो गाइस छुट्टी हो चुकी है, और छुट्टी तो हो चुकी है लेकिन हम जा रहे हैं अब घर, घर जा रहे हैं, घर पे जाके आपको बताएंगे कि हम क्या सरप्राइज है आपके लिए, और कोई टूर बन रहा है हमारा जाने के लिए, हम जाएंगे कहीं पे, वो चल के घर पे बताएंगे। अभी मैं रुका हुआ हूँ रोड पे, पार्क के बीच की रोड पे, तो यहाँ पर लाइट जल रही थी ना, ये वाली लाइट स्ट्रीट लाइट, तो मैंने सोचा हाँ वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी सी। तो चलो चलते हैं घर पे, फिर आपको बताते हैं कहाँ पे जाना है हमें, और देखते हैं खाने में क्या बना है, चल के देखते हैं। तो चलो चलते हैं घर पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस पहुंच चुके हैं घर पे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हम गद्दे पे सोएंगे भाई, पलंग के प्याला ही तो हम वैसे ही सो रहे थे, बिस्तर बिस्तर डाल के, ये जैसे ये वाला गद्दे है ना, ये इन पे सो रहे थे, ये बिस्तर बिछा के। तो आज हमारे पास गद्दे आ गए, तो हम मैं आज बड़ा ज़्यादा खुश हूँ। बुआ कैसा लग रहा है गद्दे पे बैठ के? आज खुश है, गद्दे आ गए बढ़िया पलंग पे, बढ़िया लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना देखने में भी, बराबर बराबर सा लग रहा है, पहले एक तरफ से नीचे एक तरफ से ऊपर लग रहा था, तो मजा आ गया पूरा, और पैसे भी खर्च हो गए है भाई। कोई बात नहीं, क्या हाल है, क्या हाल है भाई, हेलो तो बोल दे, मैंने बोल दिया, दोबारा से बोल दे, हेलो से बोलो, मेरा बीपी डबल, अगले बोलो, पिछले बोलो, सारे बोलो हेलो। रोटी गर्मा गर्म, इसमें क्या दिखाना जरा से, क्या बात है, कड़ी कड़ी कड़ी, ऐसे कड़ी के साथ तो चावल, कड़ी के साथ ना चावल होने चाहिए, आप ही नहीं बोला था रोटी बनाना, मेरे को डॉक्टर ने मना कर रखा है यार, क्या करूं, ज्यादा चावल नहीं खाने ना, चावल खाने ही नहीं है पहली बात तो, फिर भी खा लेते हैं थोड़ी बहुत, क्या करें यार, गरीब आदमी है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही है ना। तो गाइस रोटी वोटी खा लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि हम कहाँ जाएंगे भाई, कितना टाइम बाद जाऊंगा मैं ना, डेढ़ साल है, डेढ़ साल, ऐसे अब देख के इसमें बता, इसमें देख के ज्यादा मजा आएगा, डेढ़ साल बाद जाऊंगा मैं अपनी, मैं जाऊंगा भाई 1.5 साल बाद, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ना बुआ, 1.5 साल बाद जाऊंगा मैं, 1.5 साल के बाद में है ना, नोट हो जाएंगे जब, नोट तो हो जाएंगे, नोट की कोई कमी थोड़ी है, पैसा बहुत भगवान चप्पल फाड़ के दे देगा, भगवान इतना देवे, कितना देवे, अपना काम करके आ जाए, 1-2 लाख देवे, 1-2 लाख से थोड़ी काम चलेगा, चलेगा कुछ तो चली जाएगा, हाँ कुछ तो चली जाएगा। तो पहले नाश्ता कह रहा हूँ, सुबह हो रही है कि नाश्ता बोल रहा हूँ, खाना वाना खा लें, फिर बताते हैं आपको कि हम कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ,
अब क्या करूं, खुशी इतनी है जाने की, कितने टाइम बाद जा रहा हूं मैं। गद्दे की खुशी आ गई, एक तो दो खुशी होगी, एक तो जाने की, गद्दे की खुशी होगी। तो खाना वाना खा लें, फिर मिलते हैं आपसे, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस खाना वाना हो गया हमारा और हम खा पी के एकदम मस्त बैठ गए, अब सोने की तैयारी है। लगभग टाइम मेरे को कितना हो रहा है, 8 बजे, अभी 8 ही बजे हैं। तो कोई बात नहीं, वैसे हम सोने के कहने का मतलब ये कि हम लेट बैठ के फोन वोन चलाएंगे, और फोन वोन तो ये चलाएगी, मैं एडिटिंग करूँगा क्योंकि व्लॉग डालना है कल। तो अभी खाना वाना हो चुका है और हम जा रहे हैं कहाँ पर, अब आपको बता देते हैं। सुबह से आपको सरप्राइज खेल रहे हैं हम। तो हम बता दें, हम जाएंगे गांव में, अब 1.5 साल बाद जाऊंगा गांव, और काफ़ी दिन हो गए मैं गांव नहीं गया हूं। तो और गांव इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेला भी है, मेला घूमने जाएंगे, आपको गांव दिखाएंगे और गांव का मेला दिखाएंगे कैसा होता है। और तो अब ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, क्या कहते हैं मतलब कि जैसे उस गांव क्यों मेला लगता है क्या, और आपको सारी चीज़ दिखाएंगे कि मेला क्यों लगाया जाता है और किसका मेला लगता है, आपको सारा कुछ दिखाया जाएगा। और बस हमारे साथ जुड़े रहना, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी तो इस वीडियो को करते हैं यहीं तक एंड। तो इस वीडियो करते हैं एंड, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर और बाय बाय। और हमारी माता जी की अपील सुन ले। तो गाइस हमारी माता जी की अपील सुन लो, क्या अपील कर रही हैं बोलो बुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ तो गाइस मेरे लगभग सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, हाँ ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सेफ रहें। बाय बाय गाइस, बाय बाय।